हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक साधारण से टीचर की जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन अचानक से इस टीचर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्नाइपर बन जाता है। उसकी बंदूक से निकली हर एक गोली रशिया को खौफ में डाल देती है। लेकिन ये शख्स कौन था, कैसे ये टीचर से स्नाइपर बना, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक बहुत ही सुनसान जगह से होती है, जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी में हम माइकोल नाम के शख्स को देखते हैं, जो अपनी बीवी नास्तिया के साथ हंसी खुशी रहता है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए पास के स्कूल में फिजिक्स को पढ़ाया करता है, और वहीं उसकी पत्नी नास्तिया घरेलू काम के अलावा लकड़ी से कलाकारी भी किया करती थी। वो अपने पति को लकड़ी का एक फरिश्ता बनाकर उसके हाथ में एज ए लकी चार्म बांध देती है। हम देख पाते हैं कि माइकोल के घर पर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं था, इसीलिए वो जब भी स्कूल जाता था तो वहीं पर उसे टीवी के जरिए दुनिया की खबरें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन उसे मालूम पड़ता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने वाला है, और वो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो अपनी क्लास में पढ़ाने चला जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उसका सम्मान करते हैं सिवाय एक को छोड़कर, जिसका नाम इवान था, जो कि माइकोल से काफी बदतमीजी करता है। लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानता और अपनी जिंदगी में मस्त था। अब ऐसे ही एक रोज जब माइकोल स्कूल पढ़ाने जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में कुछ फौजी दिखाई देते हैं, जिन पर वो ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखते हुए स्कूल पहुंच जाता है। परंतु स्कूल पहुँच कर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, सारा का सारा स्कूल। तब उसकी नजर टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था कि रशियन आर्मी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और उसके कुछ क्षेत्रों पर उनका कब्जा भी हो गया है, जिसे माइकोल को समझने में देर नहीं लगती कि जो रास्ते में फौजी उसने देखे थे, दरअसल वो रशिया के थे, और वो अपने घर की तरफ भागना शुरू करता है क्योंकि उसकी बीवी घर पर अकेली है। मगर दोस्तों, जब तक वो पहुंच पाता काफी देर हो जाती है। एक फौजी नास्तिया को मार रहा था, माइकोल पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा फौजी उस पर हमला कर देता है। माइकोल उनसे रहम की भीख मांगता है और कहता है, मेरी पत्नी को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और उसके घर में आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अपने घर को ऐसा आग में झुलसता वो देखकर नास्तिया को काफी गुस्सा आता है। वो पत्थर उठाकर एक फौजी के ऊपर फेंकने जाती है, लेकिन तभी इनमें से एक रशियन फौजी उस पर गोली चला देता है और नास्तिया की वहीं मौत हो जाती है। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर माइकोल काफी रोता है, क्योंकि रशियन फौजी ने एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियां उससे छीन ली थी, और उसके घर के अंदर जो जली आग उसके अंदर शोला भड़का रही थी, जो हम उसकी आंखों से देख सकते हैं। इसी दौरान वहां पर दो यूक्रेन के फौजी आते हैं और नास्तिया को दफनाने में माइकोल की मदद करते हैं। माइकोल की जिंदगी में अब बिल्कुल बदल चुकी थी सिर्फ एक पल में। एक तरफ जहां उसका घर जल रहा था, दूसरी तरफ उसके दिल के अंदर रशिया के उन सैनिकों से बदला लेने की चिंगारी झुलस रही थी, और इसीलिए वो यूक्रेन की सेना में भर्ती होने का फैसला करता है। बीवी की आखिरी निशानी के तौर पर उसका बनाया हुआ लकड़ी का वो फरिश्ता भी वो अपने सीने से लगा कर रखता है। वो जब यूक्रेन आर्मी के कैंप में पहुंचता है, तो पहले तो वहां के कमांडर उसे अपने साथ रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं वो जासूस ना हो। पर जब माइकोल कमांडर से कहता है कि वो कोई जासूस बल्कि यूक्रेन का एक आम नागरिक है, और उसके सामने ही रशिया के सैनिकों ने उसकी बीवी उसके पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया, यहाँ तक कि उसका घर भी जला दिया, और इसीलिए वो शांत नहीं बैठेगा जब तक अपना बदला ना ले ले। माइकोल की बातों से प्रभावित होकर कमांडर उसे सेना में भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ माइकोल को शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे बंदूकों की कोई नॉलेज नहीं थी, जहाँ सभी लोग गन को असेंबल करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगाते थे, और वो ये काम 10 मिनट में भी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते सभी लोग उस पर काफी हंसते हैं। लेकिन माइकोल कहाँ हार मानने वाला था, वो ट्रेनिंग में अपनी जान लगा देता है और गन को असेंबल करने में दिन रात एक कर देता है। और एक दिन माइकोल का कमांडर सभी को बताता है, हमारे ग्रुप में स्नाइपर की संख्या काफी कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियन का मुकाबला कर सकें, और इसीलिए वो सभी से पूछते हैं कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। ये सुनकर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के बीच में माइकोल भी होता है। उसे देखकर कमांडर काफी शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे स्नाइपर बन सकते हो, तुम्हें तो ठीक से गन को खोलना और बंद करना भी नहीं आता। जिसके जवाब में माइकोल उनसे कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं पूरी बंदूक को 20 सेकंड में ही खोलकर असेंबल कर सकता हूँ। अब कमांडर उसे वो मौका देते हैं, जहाँ माइकोल अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बंदूक को 20 सेकंड से पहले ही खोलकर असेंबल कर लेता है।
जिसे देखकर हर कोई हैरान था और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से उसकी स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब इसके बाद वो भी दिन आ जाता है जब उन लोगों को सर्विस गन मिलती है। हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से बंदूक सौंपी जा रही थी। ऐसे में जहाँ पर सबको एडवांस गन मिल रही थी, वहीं माइकोल को पुरानी SLR गन थमा दी जाती है, जिसे देखकर वो काफी निराश होता है। और जब अपने सीनियर से वो इस तरह की एडवांस गन मांगता है, लेकिन हम जान पाते हैं कि उसे गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर वो गन दी गई थी, क्योंकि कर्नल को लगता है कि माइकोल को आम स्नाइपर नहीं है बल्कि आगे चलकर वो रशिया के लिए यमराज बनने वाला है। और इसीलिए उन्होंने उस पुरानी गन से उसे हाथ बैठाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। पहले तो माइकोल को ये गन चलाने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी खासियत को समझने लगा, वो SLR गन का दीवाना हो जाता है। उसकी ये पुरानी बंदूकें नई वाली बंदूकों पर भारी पड़ रही थी और अब उसे समझ आ जाता है कि सीनियर ने उसे ये क्यों दी। दिन तो छोड़िए, माइकोल इस बंदूक के साथ इतना खतरनाक हो जाता है कि वो रात के अंधेरे में भी निशाना लगा सकता है। ये देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि आज तक ऐसा कारनामा किसी भी सैनिक ने नहीं किया था। वेल, ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे बताया जाता है कि स्नाइपर की सबसे खास चीज होती है कि वो खुद को कैसे छुपाता है, और अगर वो गोली चलने से हिला तो उसका खेल खत्म। और एक स्नाइपर को उसकी राइफल खतरनाक नहीं बनाती बल्कि उसकी काबिलियत उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब ट्रेनिंग खत्म होती है और माइकोल को उसे ग्रुप में सबसे ए ग्रेड स्नाइपर घोषित किया जाता है। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और कर्नल भी उसे दिल से सल्यूट करते हैं। पर काफी दिन बीत जाते हैं और माइकोल को अभी तक जंग के मैदान में उतारा नहीं गया था। तभी एक रोज यूक्रेन अधिकारियों को मालूम पड़ता है कि उनकी जगह पर रशिया के कुछ सैनिकों ने कब्जा कर लिया और उन्हें इसके लिए सबसे सटीक स्नाइपर की जरूरत है, जिसके लिए कर्नल माइकोल को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि माइकोल कितना काबिल है। वो उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ निकलना होगा। वो समझ जाता है कि उसकी बारी आ चुकी है और वो सामान समेट कर कर्नल के पीछे पीछे चल देता है। उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रशिया ने चेक इन पॉइंट पर कब्जा किया था। सभी को एक एक टारगेट दिया जाता है और वो अपनी अपनी पोजीशन पर बैठकर निशाना साध लेते हैं। पर जैसे ही दुश्मन पर हमला करने वाले थे, तभी चेक पॉइंट के पास एक गाड़ी गुजरती है जो किसी सिविलियन की लग रही थी, और इसीलिए कर्नल सबको गोली चलाने से मना करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके रहते हुए किसी आम इंसान की जान जाए। इसी दौरान रूस के सुरक्षाकर्मी गाड़ी को रोक लेते हैं और हम देखते हैं कि गाड़ी में कपल बैठा था। रूस सैनिक उसके पासपोर्ट को छीन लेते हैं और फिर उन्हें बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। ये सब देखकर कर्नल का खून खौल जाता है। वो अपने साथियों को दोबारा निशाना साधने के लिए कहते हैं, जिसके एक मिनट बाद ही स्नाइपर रशियन सैनिक को एक साथ मार गिराते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और इनका पहला मिशन कामयाब हो जाता है और सभी खुशी से अपने कैंप में वापस आते हैं। कैंप में माइकोल को उसके बाकी के साथी नहीं दिखाई देते। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो सभी दूसरे मिशन पर गए। माइकोल उनका बेसब्री से इंतजार करने लगता है ताकि वो उन्हें आज के बारे में सब कुछ बता सके। वहीं उसे रूस के एक खतरनाक स्नाइपर के बारे में पता चलता है जो कि उसके आधे से ज्यादा सैनिकों की जान ले चुका है। इस स्नाइपर का इतना खौफ था कि हर यूक्रेनियन सैनिक रूस के बॉर्डर पर जाने से डरता है। इसके बाद उसे एक दूसरे मिशन के लिए भेजा जाता है जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। यहाँ माइकोल अपने साथियों के साथ मिलकर डायनामाइट लगा देता है और फिर एक खूंखार शिकारी की तरह घास में छुपकर रशियन आर्मी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन रशियन फौजी के बीच में उसे अपना एक स्टूडेंट इवान दिखता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा आखिर इस राह में कैसे निकल गया। परंतु दोस्तों, दुश्मन तो आखिर दुश्मन ही होता है, फिर चाहे वो किसी भी भेष में क्यों ना हो। इसीलिए अपने सभी जज्बातों को किनारे करके माइकोल कर्नल के आदेश पर गोली चला देता है, जो सीधा जाकर बिछाए हुए डायनामाइट पर लगती है और एक तेज धमाका होता है और उसके साथ शैतान स्टूडेंट इवान के साथ सभी रशियन सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि अपने स्टूडेंट के मरने पर उसे काफी गम था और कर्नल ये बात अच्छे से समझ रहे थे। ऐसे में वो माइकोल को दिलासा देते हुए समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये फैसला, और उसे अच्छे से पता था कि इसका अंजाम आखिर में क्या होगा। इसके बाद वो सभी अपने कैंप में वापस लौट जाते हैं। माइकोल जिस तरह अपनी जिंदगी में अकेला था, ठीक वैसे ही कर्नल भी था। दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ गुजारा करते थे, उनकी अच्छी बनने लगी थी। अब यहाँ कर्नल माइकोल को बताते हैं कि उसका एक छोटा सा परिवार है, उसकी दो बेटियां भी हैं, लेकिन उसकी बेटियों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो आर्मी में कर्नल है, और ना ही उनकी पत्नी ने ये सब बातें उसकी बेटियों को बताई है। उल्टा वो तो उसे ये बोल कर आया है कि वो एक बिजनेस मीटिंग पर जा रहा है। अब यहाँ कर्नल के साथ माइकोल भी भावनाओं में बह जाता है और उन्हें अपनी पत्नी नास्ता के द्वारा दिया गया वो लकड़ी का फरिश्ता दिखाकर बताता है
कि उसकी बीवी की आखिरी निशानी है ये, जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता। कुछ दिनों बाद माइकल को एक और मिशन के लिए ले जाया जाता है, जहां पर आज उसका सामना उसी खतरनाक स्नाइपर से होने वाला था जिसने यूक्रेन के सैनिकों की नाक में दम करके रखा है। वहां पहुंचकर वो सभी पहले एक गहरी खाई खोदने लगते हैं और उसमें वो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उन्हें मालूम पड़ा था कि इस जगह पर रशिया के फौजी कब्जा करने वाले, जिसके कारण वो किसी तरह से उन्हें ये पॉइंट आज़ाद करवाना था। अब कर्नल भी माइकल के साथ ही पोजीशन ले लेते हैं और सैनिकों का इंतजार करने लगते। इसी दौरान माइकल को पेड़ की छांव में मजे ले रहा एक सैनिक दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही रशियन फौजी था जिसने उसकी बीवी की जान ली थी। जिसे देखकर माइकल सीधा उस पर निशाना साध देता है और कर्नल से फायर करने की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल उसे सब्र रखने के लिए कहते हैं। परंतु आखिर माइकल शांत रहे भी तो कैसे, उसने आर्मी ज्वाइन करी है अपनी बीवी की हत्यारे को मारने के लिए। बस फिर क्या था, माइकल का सब्र का बांध टूट जाता है और वो गोली चला देता है जो सीधा जाकर उसी फौजी को लगती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। अब माइकल ने बदला तो ले लिया था, लेकिन इससे उनकी पोजीशन दुश्मनों को पता चल जाती है, जिसका खामियाजा बेचारे कर्नल को भुगतना पड़ता है। वो खतरनाक रशियन स्नाइपर कर्नल को मार देता है, साथ ही रशियन फौजी उन पर गोलीबारी करने लगते हैं। यहाँ कर्नल की ऐसी हालत देखकर माइकल पूरी तरह टूट जाता है और वो कर्नल की बॉडी को किसी तरह कैंप में लाता है, जहाँ उसे देखकर उसे काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने बदले के चक्कर में कर्नल के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, जिस कारण वो चाहकर भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, जिसे माइकल को हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। और वो उसी पल ये कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस रशियन स्नाइपर को ढूंढ कर मार कर ही रहेगा। इसे कुछ दिनों बाद यूक्रेन अधिकारियों को पता चलता है कि एक पुरानी फैक्ट्री पर कुछ रशियन फौजियों ने कब्जा कर रखा है, और ये खबर सुनते ही माइकल बिना अपनी जान की परवाह किए सभी साथियों के साथ वहां पर निकल जाता है। यहां कूड़े कचरे के ढेर में माइकल फैक्ट्री के अंदर बैठे स्नाइपर को ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन ये जगह इतनी समतल होती है कि सामने वाले छोर से दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकते, और इसी की वजह से रशियन स्नाइपर माइकल के एक साथी को मार गिराता है। यहाँ तक कि वो दूसरी गोली माइकल पर भी चलाता है, लेकिन तब तक माइकल भी उस पर वार कर चुका था, जिससे उसके हाथों में गोली लगती है, लेकिन वो स्नाइपर मारा जाता है। अब यहाँ उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था और उसकी काबिलियत की हर तरफ तारीफ होती है, वो हर जगह फेमस हो गया था। उधर गोली लगने की वजह से उसे घाव हो चुका था, जिसकी वजह से वो एक खुफिया जगह पर कुछ मरहम पट्टी करता है और अपने घाव के ठीक होने का इंतजार करने लगता है। तभी एक अधिकारी का उसके पास फोन आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें वो स्नाइपर का पता चल चुका है जिसने कर्नल के साथ साथ न जाने कितने यूक्रेन सैनिकों को मारा था, और उसे सारा काम धाम छोड़कर जल्दी से बेस पर बुलाया जाता है। कर्नल के हथियारों को मानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा माइकल सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत बेस की तरफ जाता है, जहां पर सभी सैनिकों को एक खास कमरे में एक खतरनाक स्नाइपर के बारे में बताया जाता है। उसका नाम था एडम। वो स्नाइपर दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर में से एक था, जिसका निशाना आज तक कभी नहीं चूका। गजब बात तो ये है कि वो यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनकी वीडियोस बनाकर वायरल करता है, ताकि यूक्रेनियन आर्मी का मनोबल टूट सके, और उसने कैप्टन की भी वीडियो बनाई थी। वेल, एडम के इंटरनेट पर एक वीडियो डालने की वजह से ही उसका लोकेशन उन्हें पता चला था। इसीलिए कमांडर अब बिना देरी किए एक प्लान बनाते हैं और उस जगह पर बम बिछाने की सलाह देते हैं, परंतु माइकल उन्हें इसके लिए मना करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब तक वो लोग वहां पर डायनामाइट बिछाएंगे उतनी देर में चालाक स्नाइपर उनको मौत के घाट उतार देगा, और पूरी जगह एक केमिकल फैक्ट्री है, और जैसे ही बम फटेगा हर तरफ जहर फैल जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, जिनमें से एक टुकड़ी उन रशियन स्नाइपर के सामने से अटैक करेगी जिससे उनका ध्यान भटक जाएगा, और फिर दूसरी टुकड़ी बिल्डिंग के नीचे मौजूद सैनिकों को मारकर रास्ता साफ करेगी। इसके बाद सभी रात होने का इंतजार करते हैं और अंधेरा होते ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ दोनों ग्रुप रशियन का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे माइकल को मौका मिल जाता है और वो छुपते छुपते बिल्डिंग में घुस जाता है। वो वहां पर अपने सामने दो रशियन स्नाइपर को देख कर उन पर हमला करके उन्हें मार देता है, और इनमें से एक सैनिक वही था जिसने उसके घर को आग लगाई थी, और आज उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन असली काम अभी बाकी है। अब वो अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो, जिसमें सभी यूक्रेनियन सोल्जर रूस के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराते हैं और उनका रास्ता साफ कर देते हैं। अब इसके बाद वो आगे बढ़ता है, जहां एडम यहाँ नोटिस करता है कि कोई भी सोल्जर उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना सभी के फ़ोन डेड हैं, और सभी के फ़ोन डेड हो चुके हैं, जिसे उसे थोड़ा बहुत शक होता है, और वो चेक करने के लिए खुद की छत पर जाता है, क्योंकि छत पर एक और उसका साथी स्नाइपर बैठा था,
अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उसे मरा हुआ पाता है, या माइकल ने उसे पहले ही मार दिया था। एडम बाहर का माहौल देखता है, पर एडम को मालूम पड़ चुका था कि दुश्मन उनके इलाके में घुस चुका है और वो अपने कमांडर से जल्द और सैनिक भेजने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो अपनी जगह पर वापस पोजीशन लेने के लिए जाता है तो वहां पर उसे लकड़ी का बना एक एंजल नजर आता है जो कि माइकल की पत्नी ने उसे बनाया था। अब जब तक वो कुछ कर पाता, माइकल ऊपर से एडम के ऊपर कूदता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। अपना वादा वो पूरा करता है। इतने में वहाँ कुछ रशियन फौजी भी आ जाते हैं, लेकिन पहले से जगह पर घात लगाए बैठे यूक्रेन फौजी उनका स्वागत गोलीबारी से ऐसे करते हैं जिसे उन सभी का काम तमाम हो जाता है। वो कुछ समझ पाते हैं कि इससे पहले वो सभी मारे जाते हैं। अब यहाँ माइकल का ये सबसे बड़ा मिशन पूरा हुआ था। यहाँ से वो सीधा अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, उसे याद करता और इमोशनल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद एक और दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर माइकल बर्फीली पहाड़ियों के बीचों बीच में वतन की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा है और जब तक जंग खत्म नहीं होगी वो लड़ता रहेगा। या तो ये जंग खत्म होगी या वो खुद, और अब उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। इसी जज्बे के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।